वेलकम बैक गाइज टू माई चैनल सैमी के व्लॉग्स। सो गाइज आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ, वो भी स्पेशली क्रिकेट लवर्स के लिए। एंड आई एम श्योर जो भी क्रिकेट लवर्स है और ये वीडियो देखेंगे उनको ये बहुत अच्छा लगेगा वीडियो। सो मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए और पूरा वीडियो एंड तक। वीडियो में कुछ ऐसा होने वाला है गाइज, तो मैं आपको बताऊँगा एक वर्कशॉप पे लेके जहाँ पे एक रॉ बैट, एक फाइनल बैट में कैसे प्रोड्यूस होती है, मतलब बैट बनने का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। सो आप ये वीडियो पे जुड़े रहना। ये वर्कशॉप है वर्सोवा अंधेरी वेस्ट गुमा गली बंदर रोड में। ये है वो मस्जिद, एक लैंडमार्क है। अगर जैसे आप बांद्रा से आ रहे हो, माहिम से आ रहे हो, या आप कोई भी एरिया से आ रहे हो, दादर से, माटुंगा से, और जब आप वर्सोवा पे पहुंचोगे, उतरोगे, तो आप किसी को भी पूछ सकते हो वर्सोवा डेपो मंदिर मस्जिद किधर है। देखो ये मंदिर है, सो वहाँ से आपको सीधा आना है। ये देखो लाडी लाइट शॉप है, वहाँ से आपको राइट लेना है और यहाँ पे हमारा अभी शॉप आ जाएगा। सो अभी हम लोग जा रहे हैं वर्कशॉप पे, और देखो आप किसी को भी फेमस डेयरी पूछ सकते हो, फेमस डेयरी से सीधा जाएंगे तो जेट्टी रोड आए पहुँच चुके हैं। देखो आप देख सकते हो जेट्टी का रास्ता, वहाँ से आपको सिर्फ लेफ्ट लेना है और यहाँ से सीधा जाना है, तो सीधा जाएंगे तो वर्कशॉप का रास्ता आ जाएगा। ये वर्कशॉप पे जा रहे हैं और हार्डली वहाँ से 2-4 मिनट्स का ही वॉकिंग डिस्टेंस है। और देखो कितना ब्यूटीफुल सीनरी बंदर का, बंदर रोड का कैसे सीनरी कितना अच्छी तरीके से दिख रहा है आप देख सकते हो। वर्कशॉप पे पहुँच चुके हैं। अगर आपको डिफ़िकल्ट होगा ये वर्कशॉप लोकेट करने के लिए, तो आप किसी भी पूछ सकते हो कि ये वर्कशॉप कहाँ पर है, वो बता देंगे आपको। मैं अभी फैक्ट्री पहुँच चुका हूँ और मैं अभी आपको बताऊंगा कि बैट कैसे प्रोसेस होती है। आप किसी भी पूछ सकते हो, गुमा गली बंदर रोड, यहाँ पे एक फ़िश मार्केट भी लगता है, बस 2 मिनट की दूरी से आप वॉकिंग डिस्टेंस से वो फ़िश मार्केट से आप यहाँ आ सकते हो। आप यहाँ पे किसी भी पूछ सकते हो कि यहाँ पे बैट कहाँ बनती है, वो आपको यहाँ पे ला के पहुँचा देगा। तो आइए हम अब फैक्ट्री देखेंगे कैसी है और किस तरह से बैट यहाँ पर तैयार होती है। सो आप ये वीडियो एंड तक बने रहिए, सो वेट एंड वॉच। गाइस जैसे आपको पता है मैं पहुंच चुका हूँ वर्कशॉप में, और मैंने आपको कुछ नज़ारा भी दिखाया था वर्कशॉप का। सो मैं आपको अभी सबसे इंट्रो कराऊंगा एक एक जन से जो ये वर्कशॉप में काम करते हैं, मेहनत करते हैं और बैट पूरे एंड पोजीशन में बनाते हैं। सो ये है शहबाज अंसारी। सो गाइस आज इनका बर्थडे भी है, तो मैं चाहता हूँ आज आप इनको कमेंट बॉक्स में, जब भी ये वीडियो आप देखोगे ये कमेंट बॉक्स में ये इनको विश करिए हैप्पी बर्थडे शहबाज। थैंक यू मुन्ना, थैंक यू वेरी मच भाई। ये है मुजफ्फर सोलकर द ओनर ऑफ द शॉप, एंड आसिफ भाई, आसिफ सोलकर, दिस इज सतीश बदाले द आइकन ऑफ क्रिकेट, बिकॉज ये बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं। यहाँ पे जितने प्रेजेंट है ना गाइस सब अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, बट लोग सतीश बदाले को एज अ आइकन जानते हैं, तो मैं अलग से एक इनको एक टर्म दे रहा हूँ एज अ आइकन। और ये है हमारे अजहर भाई और ये नेल्सन भाई, तो आप सब लोग हाई बोल सकते हो हमारे टीम से हाई। गाइज अभी मैं फैक्ट्री के मेन वर्कशॉप में एंटर कर चुका हूँ, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ मशीन्स है, और मुझे भी आइडिया नहीं है ये क्या है, कौन से मशीन्स है, बट हमारे पास मुज्जू भाई है, वो हमें बताएंगे कि ये कैसे मशीन्स काम करती है और स्टार्ट टू एंड कैसे प्रोसेस होता है। आइए हम प्रोसेसिंग शुरू करेंगे, एक रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बैट कैसे तैयार होता है हम देखेंगे। तो हमारे पास अलग अलग वेराइटी में बैट मिल जाएंगे, ब्लैक ब्लेड मिलेगा, ये फ्लैट ब्लेड है, आप शेप देख सकते हैं, ये फुल डायमंड कट है, ये नीचे तक डायमंड आता है, इसका बॉटम थोड़ा सा कम होगा, और इसके कंपैरिजन में ये दूसरा बैट है, इसका बॉटम थोड़ा ज़्यादा है, इसका ब्लेड भी आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया ब्लेड है। इसमें से आप अगर चॉइस करना चाहो तो चॉइस कर सकते हैं, और अपने चॉइस के हिसाब से यहाँ पर प्रेसिंग हो जाता है। ये फ्लैट प्रेस है, फ्लैट ब्लेड के लिए प्रेस है, और अपर ब्लेड का अभी रोलर लगा हुआ है उसमें हम देख सकते हैं। अभी हम लोग प्रेस कर सकते हैं, चेंज करना है तो रोलर चेंज करके फ्लैट ब्लेड भी प्रेस कर सकते हैं। तो इसमें आपको
ये अपर ग्रेड ऐसा आएगा, जो भी बैट हमारा तैयार होता है फाइनल, उसमें ये हमारा विलो है, जो अपना पर्सनल विलो है, विलो पे ये आपको स्कॉर्पियन का एम्बॉसिंग मिलेगा। ये अपर ब्लेड है, अपर ब्लेड मतलब इसमें थोड़ा आपको ये ओवल शेप मिलेगा, सामने ये ओवल शेप रहेगा, और फ्लैट ब्लेड में ये प्लेन रहेगा, प्लेन होगा, फ्लैट, एकदम फ्लैट प्लेइंग सरफेस। प्लेइंग सरफेस का डिफरेंस आता है ओवल और अपर में, अपर और फ्लैट में, ये फ्लैट है, ये अपर है। सो गाइज, फ्लैट और अपर का आप डिफरेंस देख सकते हो, और आपको जो पसंद है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और आगे फाइनल प्रोसेसिंग में लेके जा सकते हो। तो गाइज, हम लोग अभी यहाँ पे बैट सिलेक्ट कर चुके हैं और अभी आप आगे देख सकते हो कि क्या आगे होने वाला है। सो अभी हम लोग फिर से मेन वर्कशॉप में जा रहे हैं, बैट चॉइस कर लिया, अभी बैट चॉइस कर लिया, इसका वेट पहले देखेंगे हम लोग कितना है। ओके ओके ओके, मैं तो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर में जीपी बैक करता हूँ, कुछ 1264 वेट है। सो अभी वेट चेक करने के बाद आप क्या नेक्स्ट करते हो? स्कूपिंग करेंगे, कितना। सो गाइज, ये स्कूपिंग मशीन है, और जैसे कि बताया है इन्होंने, देखो प्रोसेस भी करके दिखाएंगे हमको। बैट को सिंगल स्कूपिंग हो गया है, बैट का जब भी स्कूपिंग होता है तो हम ध्यान रखते हैं ये जो अंदर का सरफेस है वो ज़्यादा पतला ना हो और स्कूप ज़्यादा गहरा ना हो, अगर ज़्यादा गहरा हो गया तो प्लेइंग सरफेस अपना वीक हो जाएगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा गहराई नहीं देना है। सो गाइस, देखो कितने ध्यान से बैट बनानी पड़ती है, तो वेट ऐसे आ गया है 996। सो हमने पहले वेट देखे थे कितना था और अभी देखो आफ्टर कितना हो गया है। इसको थोड़ा और हम लोग फिनिशिंग करेंगे, इसको और थोड़ा इम्प्रूवमेंट करेंगे, इसमें इसका बॉटम सरफेस बहुत मोटा है, तो हम यहाँ पे इसको दो स्कूप या दो होल ऐसा दे सकते हैं। वेट आए हैं 974 ग्राम्स, अभी आएगा ग्रिप के साथ 1.20-1.30 तक आ जाएगा। बैट की जान होती है हैंडल, ये जो नॉर्मल थ्रेडिंग होता है इसको हम नहीं रखते, इसको हम निकाल देते हैं और इसको रीथ्रेडिंग करते हैं, इसको हैंडल को थोड़ा शेप देके फिर रीथ्रेडिंग करते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हो कि मतलब किस तरीके से एक प्रोसेस हो रहा है, जब से हमने बैट सिलेक्ट करी है और अब तक परफेक्ट वेट देने के लिए, एक परफेक्ट आउटकम के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और अभी हम एंड तक देखेंगे कि एक फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल बैट कैसे तैयार होती है। मेरे मन में भी एक सवाल था कि ये रीथ्रेडिंग क्या है और क्यों होता है, तो आइए हम इनसे ही पूछेंगे कि रीथ्रेडिंग का वजह क्या होती है। जैसा आप देख सकते हो ये हैंडल सारे पुरानी जो थ्रेडिंग है, थ्रेडिंग निकाल के रखे हुए हैं, नो डाउट हैंडल तो अच्छे होते हैं, लेकिन हैंडल की फिनिशिंग और हैंडल का शेप प्रॉपर नहीं मिल पाता आपको, कहीं पे हैंडल पतला होगा, कहीं मोटा होगा, तो उसको प्रॉपर रीशेपिंग करके और उसको प्रॉपर थ्रेडिंग करके उसको और टाइट किया जाता है। मैं आपको वो दिखाऊंगा कैसे करते हैं। डस्ट के कारण मैं बाहर गया था थोड़ा, बट जब तक मैं अंदर आया तब तक बैट का फाइनल शेपिंग बफिंग हो चुका था, और ये देखिए अच्छे से फिनिशिंग किया है, शेप टॉप टू बॉटम आपको प्रॉपर शेप मिलेगा, कहीं ओवलिटी नहीं है बैट में, कहीं गड्ढा नहीं है बैट में, आपको प्रॉपर शेप मिलेगा। अब इसका मैं दिखाऊंगा आपको थ्रेडिंग कैसे करते हैं, रीथ्रेडिंग हम लोग देखेंगे कि रीथ्रेडिंग कैसे होती है, आइए। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे थ्रेडिंग के सेक्शन में आए और आओ देखेंगे कि थ्रेडिंग कैसे होती है। पहले तो इसको इसमें लगा के आपको सेट करना पड़ेगा, सेट करने के बाद थोड़ा अच्छा टीवी को लगाना पड़ेगा, ये लो। तो फेविकॉल लग रहा है, सो गाइस मेरे लिए भी ये न्यू एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैं भी देख रहा हूँ कि एक स्टार्ट टू एंड कैसे प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, एंड इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अभी
थ्रेडिंग थोड़ा टाइट होना चाहिए, जैसे प्लास्टर हाथ को पकड़ता है उस तरीके से थ्रेडिंग हैंडल को पकड़ के रखता है। अभी तक का प्रोसेस तो हम सब ने देखा है, तो अभी आओ हम देखेंगे कि स्टिकरिंग कैसे की जाएगी बैट को और आगे का प्रोसेस, सो दैट फाइनल बैट का एक लुक कैसे आता है वो सब देख लेते हैं। ये रहा मुज्जू भाई के ब्रांड का नाम हंटर स्पोर्ट्स। तो नॉर्मली ये लोग इंग्लिश में ही हंटर स्पोर्ट्स छपवा देते हैं, पर इस बार इन्होंने कुछ यूनिक तरीका अपनाया है और स्टिकर्स को मराठी में छपवाया है, आप देख सकते हो। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा मराठी में स्टिकर्स देखते हुए, ऐसा लग रहा है माझा भारत, माझा गर्व, माझा अभिमान। तो स्टिकरिंग टाइम देखो, बघा कसं छान मराठी मध्ये लिहिलंय हंटर स्पोर्ट्स। आणि और ये ट्रेडमार्क है गाजी का, आप देख सकते हो। सो अभी बैट को एक लुक आने लग चुका है और बैट खूबसूरत दिखती हुई जा रही है। सो स्टिकरिंग के पहले और स्टिकरिंग के बाद बैट का लुक आप देख सकते हो। ये है डबल प्लेयर एडिशन बैट। सो स्टिकरिंग अब कंप्लीट हो चुकी है और अभी ये मुज्जू भाई बताएंगे कि आगे का प्रोसेस क्या है। इसको स्टिकरिंग होने के बाद हम ऑयलिंग करते हैं। ऑयल देना जरूरी है बैट को, लिक्विड ऑयल होता है, आपको लगाना है। सो ये ऑयल लगाने से क्या होता है? लगाने से बैट थोड़ा ऑयल जो ड्राई सरफेस रहता है बैट का, ऑयल खींच लेता है बैट, उसके साथ में उसकी लाइफ बढ़ जाती है उसकी वजह से। सो गाइस आप देख सकते हो ऑयलिंग लगने के बाद बैट का लुक कैसे हो चुका है, कैसे शाइन मार रही है बैट। विलो का कलर आप देख सकते हो। सो गाइज हम लोग देखेंगे अभी इनके प्लेयर एडिशन बैट्स और ये बैट की खासियत, आइए देखिए। ये अपना डबल ब्लेड में प्लेयर एडिशन बैट है जो डबल प्रेस किया हुआ है और इसका स्कूप देखो आप, बहुत कम स्कूप है, इससे नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप किया हुआ स्कूप है, अच्छा प्रोसेस्ड बैट है ये। इसका आप फील भी देखोगे तो फील बहुत अच्छा आता है हाथ में, और एक ये बैट हाथ में लेने के बाद एक कॉन्फिडेंस जो आता है खेलने का बैट्समैन को, वो बहुत अच्छा होता है। सो शायद से मैं भी ये बैट हाथ में लेके एकदम कॉन्फिडेंटली खेलना शुरू कर दूंगा। ये भी देख सकते हैं, ये प्लेयर एडिशन है, थोड़ा सा इसका स्कूप अलग है लेकिन काफ़ी अच्छा बैट है। बॉटम भी देख सकते हैं, इसका बॉटम भी अच्छा हुआ है। हर प्लेयर एडिशन बैट में हम बॉटम वगैरह धागा वगैरह सब बना के देते हैं, लगा के मिलेगा आपको। ग्रिप के साथ इसका हार्डनिंग वेट इतना आएगा। डबल ब्लेड प्लेयर एडिशन वैसे ही है, अपर ब्लेड में सब प्लेयर एडिशन बैट्स है। इसका फील बैलेंस वेट आप पर चेक करोगे तो बहुत अच्छा आता है। कोई भी बॉल से आप खेल सकते हो, गुरु हो, निविया हो, टेनिक्स, हेडली, कोई भी बॉल से आप इनसे खेल सकते हो। ये जो बैट प्लेयर एडिशन बैट वही है जो कोई भी प्रोफेशनल प्लेयर हाथ में लेता है, ऐसा नहीं है कि 1100 ग्राम का बैट है, 1 किलो 70 ग्राम का बैट है उसको हमने प्लेयर एडिशन का टैग लगा दिया, ऐसा नहीं है। प्लेयर एडिशन बैट है तो उसका फील फेदर लुक आना चाहिए, फेदर फील आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए, और उसका उसके उतना हल्का होने के बावजूद उसका पंच वगैरह बहुत अच्छा आना चाहिए। पंच वगैरह देख सकते हो उसका बहुत अच्छा आता है बैट से। तो गाइस आप देख सकते हो कि फाइनली ये बैट तैयार हो चुकी है। आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हमने ये वीडियो में देखा है कि
स्टार्ट टू एंड में बैट कैसे प्रोसेस की जाती है और फाइनल आउटपुट कैसे तैयार किया जाता है। ये बैट हमारी तरफ से समीर भाई को गिफ्ट किया जाता है। सो थैंक यू, ये बैट मुझे इन्होंने गिफ्ट करी है और मैं आपको इनके शॉप का डिटेल्स और नंबर डिस्प्ले में डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी बैट खरीदनी हो आप वो नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए और एक अच्छे क्रिकेट प्लेयर बन जाओ। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर सकते हैं और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, सैमी के व्लॉग्स। तो आइए हम पूरे टीम से एक फाइनली मिले और देन मैं ये वीडियो को एंड कर दूंगा। सो गाइज, ये रही हमारी पूरी हंटर स्पोर्ट्स की टीम। इन सब की मेहनत से ही ये एक रॉ बैट फाइनल प्रोडक्ट में तैयार होती है। सो प्लीज़ आप जो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, इंक्वायरी कीजिए। अगर आपको बैट खरीदनी है तो आप डायरेक्ट ये वर्कशॉप पे आके भी खरीद सकते हो। सो थैंक यू गाइस। आई एम श्योर गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। सो ये वीडियो स्पेशली क्रिकेट लवर्स के लिए है एंड आई एम श्योर क्रिकेट लवर्स को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि उन्होंने ये वीडियो में देखा रहेगा कि पूरे बारीकी से एक बैट कैसे तैयार होती है। तो क्रिकेट लवर्स प्लीज़ ये वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे मुज्जू भाई के शॉप में आइए बैट खरीदने के लिए। एट दी एंड ऑफ द वीडियो में ये शॉप के डिटेल्स और कॉन्टैक्ट नंबर डालने वाला हूँ। क्रिकेट लवर्स, आप ये शॉप पे आ सकते हो, ये मोबाइल नंबर पे कॉल करके इंक्वायरीज कर सकते हो और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको श्योर डिस्काउंट मिलेगा बैट्स पे। गाइज, आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया रहेगा। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और आगे बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सो दैट आपको और अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने को मिले। सो बाय गाइज।